तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्क्वायरस्टैक एप्लीकेशन पर आपको अकाउंट कैसे बनाना है। तो दोस्तों इससे पहले भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस स्क्वायरस्टैक एप्लीकेशन पर बना रखे हैं, बट वो पुराने हो चुके हैं और अब यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुके हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना है, कैसे टेस्ट देना है और कैसे क्विज को पास करना है। ठीक है, सो चलो यार स्टार्ट करते हैं। स्क्वायरस्टैक एप्लीकेशन को मैंने यहाँ पे डाउन कर लिया। ठीक है, आप देख सकते हो मैंने स्क्वायरस्टैक एप्लीकेशन को डाउन कर रखा है और यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल मैं अपना फ्रेश न्यू अकाउंट बनाने वाला हूँ अभी आप सबके सामने ही। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो गेट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले अपना नंबर डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नंबर डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपना मैं नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे आगे प्रोसीड करके दिखाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने नंबर डाल के यहाँ पे लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डालना है, जो भी आपका नेम है। तो चलो यहाँ पे अपना मैं नेम डाल देता हूँ, लास्ट नेम यहाँ पे आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे अपना मैं ईमेल आईडी डाल देता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया। दोस्तों हम कंटिन्यू करते हैं इसको। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके सामने काफ़ी सारे क्विज़ और यहाँ पे जो जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो यहाँ पे आपके सामने आ चुके हैं। करना है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू स्क्वायरस्टैक, यहाँ पे सबसे पहले इस पर हम क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ बातें बताई जाएंगी स्क्वायरस्टैक एप्लीकेशन के बारे में। तो वो यहाँ पे आप इस वीडियो को देख सकते हो। फिलहाल तो मैं इसको अभी आगे बढ़ाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो उसको सबमिट करके आप यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो हमारा जो फर्स्ट स्टेप था वो हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद दोस्तों आपको अपना जो अकाउंट है उसको यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ क्रिएट योर प्रोफाइल, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना है। जेंडर डालोगे, उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालोगे। तो यहाँ पे अपना मैं डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपना जो लैंग्वेज है उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि किस लैंग्वेज में आप यहाँ पे फ्लुएंट हो। तो मैंने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश डाल दिया, आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आप किस लैंग्वेज में फ्लुएंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज़ योर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पे आप कहाँ तक पढ़े हो मैक्सिमम। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको 12th कर देता हूँ फिलहाल। और उसके बाद यहाँ पे मैं सिटी ऑफ वर्क यहाँ पे डाल देता हूँ दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, तो यहाँ पे मैं इसको दिल्ली उसको एंटर कर फॉरवर्ड करना है। ठीक है, उसको यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट डिस्क्राइब यू बेस्ट, यहाँ पे आप स्टूडेंट हो तो मैं स्टूडेंट डाल देता हूँ फिलहाल। तो ठीक है, हाउ मेनी ईयर्स ऑफ टेलीकॉलिंग एक्सपीरियंस यू हैव, तो हमारे पास फिलहाल अभी 1 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो इसका यहाँ पे मैंने 1 साल सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है इंडस्ट्रीज यू हैव वर्कड इन और नो अबाउट। ठीक है, सो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपने जिस भी इंडस्ट्री में काम कर रखा है या फिर जिस भी इंडस्ट्री के बारे में आप जानते हो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल तो यहाँ पे मैं इस ये वाला डाल देता हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ब्रोकरेज ये वाला डाल देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी आवर्स ऑफ वर्क यू कैन कमिट टू, आप कितने घंटे काम कर सकते हो। ठीक है, इनके प्लेटफॉर्म पे, तो उसको यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इसको मॉडरेट डालता हूँ, मिनिमम 4 आवर्स फॉर 6 डे। ठीक है, यहाँ पे इसको करने के बाद आपको यहाँ पे एरो पे क्लिक करके आगे बढ़ाना है। इस पर क्लिक करके उसके बाद आप यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है, तो आपका ये भी कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुली। तो हमारा जो 2 स्टेप था वो कंप्लीट हो चुका है फाइनली। उसके बाद हमें लास्ट स्टेप हमारा बचता है स्पीच असेसमेंट का, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें आप यहाँ पे थोड़े फंस सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना। स्पीच असेसमेंट में दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो वोकैबुलरी कैसे बोलते हो और किस तरीके से बोलना है सभी चीज़ें इसमें दोस्तों आती हैं। तो इस पार्ट को यहाँ पे स्किप मत करना आप। यहाँ पे आप देख सकते हो, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। सो इसको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कुछ यहाँ पे बातें बताई गई हैं जिनको यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हो जिससे कि जो आपका टेस्ट है वो आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, सो काफ़ी सारे लोग हमें से इन सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देते इतना। ठीक है, तो सबसे पहले अपना जो माइक है उसको टेस्ट करने के लिए आप यहाँ पे रिकॉर्ड वाले बटन पे क्लिक करके जो अपनी वॉइस है, जो आपका माइक है वर्किंग है या फिर नहीं है, तो यहाँ पे इसको मैं रिकॉर्ड करके यहाँ पे अपना पहले आवाज़ सुन लेता हूँ कि जो मेरा माइक है वर्किंग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो अपना जो ऑडियो है इसको रिकॉर्ड कर लिया टेस्ट के लिए, ताकि हमें पता चल जाए कि हमारा जो ऑडियो रिकॉर्ड होने वाला है या फिर नहीं। तो यहाँ पर इसको आप प्ले करके सुन सकते हो कि आपकी जो वॉइस है कैसे आ रही है। सो इसके बाद अगर आपको लगता है कि ये हमारी जो आवाज़ है सही रिकॉर्ड हो रही है और यहाँ पे हम टेस्ट को देने के लिए तैयार है, तो उसके बाद आपको यहाँ पे इसको एग्री करके नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, सो चलो यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। सो इसके बाद जो भी दोस्तों क्वेश्चन आएंगे उसको यहाँ पे आपको मतलब इसमें टाइम मिलता है कि मतलब 2 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है और 2 मिनट के अंदर आपको यहाँ पे पढ़ के बोल के बताना है। तो उस चीज़ को यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, लास्ट में आपको मैं कुछ टिप्स वगैरह दूंगा कि यहाँ पे कैसे आपको यहाँ पे इसको बोलना है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। सो यहाँ पे हमें पूछा गया है व्हाट्स योर नेम, तो आपको यहाँ पे सबसे पहले अपना हमें नाम बताना है, तो इसको मैं बता देता हूँ। हमने यहाँ पे इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। व्हाट कंट्री आर यू फ्रॉम, दोस्तों हमने यहाँ पे इस चीज़ को भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया क्वेश्चन 2 को। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद हमें ये कुछ कोड दिया गया जिसको हमें यहाँ पे बोल के बताना है इनको। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। हमने इस चीज़ को भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेल मे बी डोंट नीड योर मनी, वेट वेट आई सेड मे बी, तो इस तरीके से यहाँ पे आप इसको प्रोनाउंस करके बोल सकते हो। और इसको यहाँ पे मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है,
चौथा क्वेश्चन हमसे फिर से कोट दिया गया जिसको हमें यहाँ पे बोल के बताना है इनको, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं रिकॉर्ड वाले बटन पे इसको बोल के यहाँ पे इसको सबमिट को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5 सेकंड से ज़्यादा बोलना होता है दोस्तों, ठीक है। इस बार यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे वैसे लिखा भी आता है तो उस चीज़ का यहाँ पे आप ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने कंप्लीट कर दिया, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। इसके बाद हमें फिर से बोल के बताना है, ठीक है। इस चीज़ को भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इसको फिर से मैं नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद हमें फिर से एक बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें यहाँ पे प्रोनाउंस करके यहाँ पे बोल के बताना है, ठीक है। तो टाइम मेरे पास कम है, इसको मैं यहाँ पे बोल के आपको हमने यहाँ पे इस चीज़ को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करूँगा। और हमें 8th क्वेश्चन में हमें कुछ बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया है जिसको हमें यहाँ पे बोल के बताना है, ठीक है। सो टाइम मेरे पास काफ़ी कम है, इसको मैं आपको बोल के आगे दिखा। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस चीज़ को यहाँ पे फाइनली इसको बोल के यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ पे बोल सकते हो, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, ठीक है। ये काफ़ी लंबा पैराग्राफ हमें इसने दिया था, तो इस चीज़ को यहाँ पे आप इसको बोल के सबमिट कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो भी क्वेश्चन हमसे पूछ देंगे वो सारे ही मतलब इमेजिनरी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पे सोच के खुद से यहाँ पे बोल के बताना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आगे हमसे क्या पूछा जाता है, इसको मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद हमसे पूछा गया, व्हाट इज योर डेली रूटीन, डू यू यूजली हैव द रूटीन एवरी डे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 2 मिनट तक यहाँ पे बोल के बताना है इसको। फिलहाल हमारा जो टाइमर है वो चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं इस पर क्लिक करके इसको मैं 2 मिनट तक बोलूँगा अपने मन से, ठीक है। कुछ भी आपको यहाँ पे बोलना है, जो भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं बोलता हूँ, उसके बाद आपको मैं आगे दिखाता हूँ। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस चीज़ को यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर लिया। इसको यहाँ पे मैंने 2 मिनट यहाँ पे बोल के इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं आपको बताऊंगा कि इसमें आपको यहाँ पे क्या बोलना चाहिए और यहाँ पे मैंने किस तरीके से बोला, ठीक है। तो फिलहाल तो इसको मैं सबमिट करता हूँ, अगर नेक्स्ट करता हूँ, ठीक है। तो हमसे फिर से एक इमेजिनरी क्वेश्चन दिया गया है और उसको हमें बोल के बताना है इन सब पॉइंट्स को यहाँ पे कवर करते हुए 2 मिनट तक हमें बोलना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास टाइम भी काफ़ी कम है, तो आपको मैं इसको यहाँ पे बोल आगे दिखाता हूँ, ठीक है। सो दोस्तों यहाँ पे मैंने इस चीज़ को भी यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इमेजिनरी क्वेश्चन था जिसको हमें यहाँ पे मतलब 2 मिनट तक बोल के बताना था, तो इसको मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करूँगा और हमसे आगे क्या पूछा था तो हम देख लेते हैं यहाँ पे आगे। सो हमसे एक ऑडियो दिया गया है, ऑडियो फाइल, इसको यहाँ पे हमें सुन के आगे बताना है कि हमें यहाँ पे क्या मतलब। तो इसका आपको मैं ऑडियो सुना देता हूँ आपको एक बार। Why do some people not complain about bad service? What should people do if they receive bad service? How can companies deal with bad service? सो यहाँ पे आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग को ऑडियो को सुन लिया और इस ऑडियो का हमें मतलब कुछ 1 मिनट तक हमें समथिंग बोल के बताना है कि इसमें हमें अपना जो ओपिनियन है वो देना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं कंप्लीट करके आपको यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करता हूँ। उस पर हमें फिर से यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया गया है, डिस्क्राइब योर आइडियल डे, ठीक है। हमें इन पॉइंट्स को कवर करते हुए हमें 2 मिनट तक यहाँ पे हमें बोलना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे मैं सक्सेसफुली यहाँ पे आपको कंप्लीट करके दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस क्वेश्चन को भी यहाँ पे कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इसको मैं नेक्स्ट करके आगे आपको दिखाता हूँ कि हमें आगे क्या पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर से हमें क्वेश्चन गया है, ये पॉइंट्स दिए गए हैं और हमें यहाँ पे 2 मिनट तक इसको देख के यहाँ पे बोलना है, ठीक है। तो उसको यहाँ पे आपको मैं बोल के कंप्लीट करके आपको यहाँ पे आगे दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इन सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे फाइनली कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है सबमिट करने का। इसको सबमिट करने के बाद आपका जो आंसर, जो टेस्ट का रिजल्ट है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पे पास हुए या फिर फेल, तो इसको यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको यहाँ पे आई एम ह्यूमन का ये जो कैप्चा, इसको फिल करना है, ठीक है। सो यहाँ पे इसको मैं फॉर्म को सबमिट कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो आपका स्पीच असेसमेंट टेस्ट है ये इन रिव्यू में है फिलहाल, ठीक है। तो ये अभी थोड़ा बहुत 1 मिनट के अंदर ये टेस्ट करके आपको यहाँ पे रिजल्ट दे देगा कि यहाँ पे आप पास हो या फिर फेल हो, ठीक है। जो भी हमारा रिजल्ट रहता है वो हम यहाँ पे इसको देख लेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो चलो आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ अपना। सो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा स्पीच असेसमेंट टेस्ट है वो हमने पास कर लिया है, यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेसन का हमारा मैसेज आ चुका है। सो इसको पास करने के बाद दोस्तों आपके सामने कुछ भी नहीं बचता है, बस आपको यहाँ पे एक मोबाइल ऐप जो ट्रेनिंग है इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे ये आपको कुछ भी नहीं होता इसमें, ठीक है। इस पर आपको यहाँ पे नेक्स्ट करते जाना है। सो इसमें आपको यहाँ पे इसको नेक्स्ट करते जाना है, ठीक है। ये वीडियोज़ वगैरह शो हो रही है तो इनको यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल। तो यहाँ पे नेक्स्ट करके इसको यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको यहाँ पे टिक करके आपको यहाँ पे इसको सबमिट कर देना है फिलहाल, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे आप इसको सबमिट करते हो तो जो आपका यहाँ पे अकाउंट है सक्सेसफुली यहाँ पे बन चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हो सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। और बस आपको यहाँ पे दोस्तों आपको अपना नंबर डालना है, जो भी नंबर से आपने रजिस्टर किया था वही नंबर आपको यहाँ पे डाल देना है। तो यहाँ पे अपना मैं नंबर डाल देता हूँ, ठीक है।
सो यहाँ पे आप देख सकते हो नंबर डालने के बाद दोस्तों आपके सामने अपने आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। इस ओटीपी को फिल करने के बाद जो आपका अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल टास्क शो नहीं हो रहा है तो ये कुछ दिनों में मुझे टास्क भी मिल जाएगा। तो जैसे टास्क वगैरह मिलेगा सब कुछ आपको मैं दिखा दूंगा। फिलहाल हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर सकते हो रेगुलर अपडेट्स के लिए। तो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको ज्वाइन कर सकते हो। काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा अकाउंट है सक्सेसफुली बन चुका है और यहाँ पे 2-3 हफ्ते के अंदर यहाँ पे टास्क वगैरह भी आने चालू हो जाएंगे। तो उसको यहाँ पे आप अप्लाई करके पैसे कमाना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जो कि आपको यहाँ पे फॉलो करने चाहिए। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हो तो अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करते हो तो आपका यहाँ पे टेस्ट पास हो जाएगा आसानी से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जो भी आपको मैंने शुरू शुरू में टेस्ट करके दिखाया, जैसे कि आपको यहाँ पे सबसे पहले आपका नाम पूछा था तो उसमें आपने अपना नाम बताया। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया था तो आप यहाँ पे बोल सकते हो उनको। तो अगर आपको वो नहीं बोलना है तो आप यहाँ पे अपने तरीके से कुछ ही बोल सकते हो, बट जो भी आप यहाँ पे बोल रहे हो उसको यहाँ पे क्लियर बोलना और यहाँ पे बिल्कुल मतलब जितना इजी हो सके उतना इजी होके बोलना। ठीक है, कोई भी यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल वर्ड यूज़ करने की कोशिश मत करना अगर आपको नहीं पता है। अगर आपको जितना आसान आता है उतना ही आप आसान यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा दोस्तों, यहाँ पे कुछ इमेजिनरी क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पे मतलब वो खुद से बना के बोलना पड़ता है। कुछ में पॉइंट्स मिलते हैं, कुछ में पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। तो जिनमें पॉइंट्स मिलते हैं दोस्तों उनमें यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को दोस्तों यहाँ पे एक बार आपको पढ़ना है और उसको यहाँ पे उसी को यहाँ पे आंसर बनाना है आपको। ठीक है, तो जो भी इमेजिनरी क्वेश्चन होता है जिनमें यहाँ पे आपको पॉइंट दिखते हैं कि इन सब पॉइंट्स को आप वहाँ पे मतलब आंसर करना है, तो उन पॉइंट्स को दोस्तों यहाँ पे मतलब आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि इसमें मैं क्या जोड़ सकता हूँ और यहाँ पे मैं इसका आंसर क्या कर सकता हूँ, कितना इजी से इजी आंसर इसको मैं दे सकता हूँ। तो जितना इजी आप आंसर दोगे उतना ही आपका यहाँ पे आपके लिए सही रहेगा और यहाँ पे आप आसानी से पास भी कर लोगे। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे पॉइंट्स वाले जो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दिखते हैं उनमें आप यहाँ पे सबसे आसान जो अपना लैंग्वेज है सबसे आसान वर्ड्स है उसको यूज़ करो तो आपको यहाँ पे आसानी से पास हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा मुश्किल नहीं है। और जिसमें यहाँ पे आपको कोई भी पॉइंट या फिर कुछ भी ऐसा नहीं मिलता है, बस आपको यहाँ पे एक टॉपिक दे दिया उसके बारे में आपको यहाँ पे जो बोलना है तो उसमें भी दोस्तों यहाँ पे आप अपने मनमर्जी से कुछ ही बोल सकते हो, बट उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ ही बोल देना, उस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए। प्लस दोस्तों आपको कुछ टेस्ट देने से पहले कुछ देर आप यहाँ पे खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो इन सब चीज़ों की, जैसे कि मैंने आपको वीडियो में दिखाई दिया क्वेश्चन। सो इन सब क्वेश्चन के लिए दोस्तों आप यहाँ खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑनलाइन गूगल पे सर्च कर सकते हो। आजकल तो चैट जीपीटी वगैरह टूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा आ गए हैं तो इन पे भी यहाँ पे आप थोड़ा हेल्प ले सकते हो। ठीक है, काफ़ी हेल्प आपको इनसे भी हो जाएगी। वैसे अगर आपको मैं स्क्रिप्ट देना चाहूँ तो मैं दे सकता था, बट दोस्तों यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंज होते रहते हैं इनके मॉड्यूल्स वगैरह, तो स्क्रिप्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप खुद से कर सकते हो। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए या फिर कुछ भी ऐसा पूछना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ही सकते हो। ठीक है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना इजी वर्ड हो सके उतना इजी यूज़ करो और यहाँ पे ज़्यादा मुश्किल वर्ड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। इजी करोगे तभी भी दोस्तों जो सिस्टम वही डिटेक्ट करेगा और मुश्किल करोगे तभी भी सिस्टम वही डिटेक्ट करेगा। बट दोस्तों यहाँ पे आपको फोकस क्या करना है कि आपको यहाँ पे जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हो बिल्कुल क्लियर बोलना। और थोड़ा कि आपको मैं बता रहा था कि जैसे आप यहाँ पे अकाउंट बना लेते हो अपना तो आपको यहाँ पे 15-20 दिन बाद आपको कोई भी टास्क जो नया टास्क है वो मिल जाता है। ठीक है, इतना जो टाइम है आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना चाहिए। ठीक है, बट दोस्तों मेरे केस में हुआ क्या कि जैसे मैंने अपना अकाउंट बनाया उसके 2 घंटे बाद ही मुझे नया टास्क मिल चुका है स्क्वेयर स्टैक एप्लीकेशन पे डिलीवरी का। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी का ये मुझे टास्क है ये मिल चुका है और इसको यहाँ पे आप असेसमेंट और जो इसका जो 3-4 जो कॉल्स होते हैं जो 6 कॉल्स हैं इनको अगर आप यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हो, ठीक है, ये मॉक कॉल्स होते हैं तो इनको अगर आप यहाँ पे कंप्लीट करके यहाँ पे सबमिट कर देते हो तो ये आपका रिव्यू में चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो आने के बाद दोस्तों अगर आप अप्रूव होते हो, अगर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाता है तो आप यहाँ पे लाइव कॉलिंग के लिए आपको मौका दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप उसमें अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपको कोई भी मतलब हेल्प चाहिए फिर कुछ भी ऐसा कुछ पूछना है आपको, ठीक है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वहाँ पे आपको मैं ये सब चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी हैं तो अगर आप यहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। असेसमेंट होगा यहाँ पे, ठीक है, असेसमेंट आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसका आपको आंसर करना पड़ेगा। उसका आंसर भी दोस्तों आपको यहाँ पे ये कुछ वीडियोस वगैरह शो होंगी इधर। ठीक है, तो सबसे पहले आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे इसको प्रोसीड करते जाओगे। ठीक है, एरो वाले बटन पे दबाते जाओगे तो आपको यहाँ पे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस शो होंगी इसी में। ठीक है, तो उन सभी वीडियोस को आप 1 बाय 1 देखते जाओगे तो अब आपको यहाँ पे जो असेसमेंट टेस्ट का है इसका आंसर आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता है तो आप मुझे टेलीग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ठीक है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे कॉल 1, 2, 3 जितने भी कॉल्स हैं दोस्तों ये मॉक कॉल्स होते हैं तो इनको आप यहाँ पे एज अ प्रैक्टिस इसको दे सकते हो और इसमें अगर आप यहाँ पे सही परफॉर्म करते हो तभी आपको यहाँ पे आगे काम करने का मौका दिया जाएगा। तो इसमें आप यहाँ पे अच्छे से परफॉर्म करना। ठीक है,
सो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आपको टास्क भी मिल चुका है, ठीक है। तो अगर आप नया बनाते हो तो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है। अभी तो मुझे टास्क मिल चुका है, हो सकता है आपको भी मिल जाए। तो इस तरीके से दोस्तों अपना जो नया अकाउंट बनाने के बाद यहाँ पे इस तरीके से कुछ टास्क वगैरह कर सकते हो। तो मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो में। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा, तो वीडियो को दोस्तों लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है।